दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको साइज बता देती हूँ। देखिए, ये हमारा ब्लाउज है, ये ब्रॉकेट का ब्लाउज है और देखिए ये अस्तर है, तो ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। देखिए, लंबाई मैंने 14 इंच ली है और ये हमारा 40 साइज का ब्लाउज है। देखिए 12 इंच आ रहा है, जब हम तैयार करेंगे तो 10 इंच आएगा। ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। देखिए, इसके मुड्डे 6 इंच है और इसका शोल्डर 5.5 इंच है। और अभी मैं इसमें नेक डिजाइन ड्रॉ करती हूँ। तो देखिए, शोल्डर से 2.5 इंच लेंगे और जितना आप डीप पहनना चाहते हैं उस हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको 10.5 इंच लिया है, तो एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा वन साइड नेक रहेगा, यहाँ पे पैच आने वाला है। तो देखिए, सेम आप इस साइड में भी मार्किंग कर लें और सेम शोल्डर पे भी, क्योंकि अभी हम इसको खोल देंगे। तो देखिए, इसको मैंने खोल दिया है। अभी हम एक बॉक्स और बना लेते हैं एक साइड में। तो जो हमने यहाँ पर डॉट लगाई थी और एक डॉट हमारी यहाँ पे है, तो इस तरह से यहाँ पर लेके चलते हैं और जो हमारा ये, इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी नेक लाइन जो है हमारे साइज़ के अनुसार आ जाएगी जितना हम ले रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो जो राइट साइड रहेगा, यहाँ पे हम एक पैच लगाने वाले हैं और लेफ्ट साइड में हमारी ये डिजाइन आएगी और इसमें बहुत ही सुंदर बनने वाली है डिजाइन। तो जिधर आपका हाथ सीधा पड़े उस साइड में इसको इस तरह से रख लें। तो जो हमने यहाँ पर पॉइंट दिया है, यहाँ से अभी इसकी शेप देते हैं। देखिए, शोल्डर से सेम लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया और यहाँ पे जो हमारी लाइन है इसी लाइन में हमने मार्किंग कर दी है। अभी सेम डॉट पे इसको कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने ये नेक कट कर दिया है। अभी आपको सिलने का तरीका बताऊँ। देखिए, ये ब्लाउज जो है इसको हम सीधा रख लेंगे, इस तरह से खोल दें। और देखिए, जैसे मैंने बताया था, जो हमने स्ट्रेट लिया है ये हमारा राइट साइड में आएगा और जो हमने ये डिजाइन दी है ये लेफ्ट साइड में। तो उसी तरीके से आप इसको ब्लाउज के ऊपर रख लें जिस तरीके से आपने मार्किंग की है। तो पहले हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, इस पार्ट को कट कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे। उसके बाद जो डिजाइन देने वाली हूँ उसके बारे में, तो देखिए, इसमें जो डिजाइन देने वाली हूँ उसके लिए मैंने देखिए कपड़ा लिया है गोल्ड कलर का और इसका जो चौड़ाई लिया देखिए 2.5 इंच लिया है। और लंबाई जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है सेम ब्लाउज की लंबाई के अनुसार ले लें। जैसे कि हमारे ब्लाउज की लंबाई 15 इंच ही 15 इंच ले लिया। अगर ये एक्स्ट्रा रहेगा तो बाद में इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक साइड में हम फ्रिल लगाने वाले हैं। तो फ्रिल के लिए मैंने ये पीस कट किया है, जैसे कपड़ा कम है तो ये पीसों को कट कर लें। तो देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और इसमें थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगेगा, तो सारे पीसों को मैं इस तरह से पहले जॉइंट कर लूँगी। देखिए, यहाँ पर स्टिच कर देंगे और इसको पलट देंगे, तो इसी तरह से हमारी लंबी पट्टी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम बीच में इसको फोल्ड कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लेट डालेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हम डिजाइन देने वाले हैं, तो लूप की डिजाइन देंगे हम, तो उसके लिए मैंने ये लेस ली है। तो यहाँ पर लेस के हम टुकड़े कट कर लेंगे और इन टुकड़ों को हम दोनों साइडों में स्टिच करेंगे। तो पहले टुकड़े कट कर लेते। देखिए, जो टुकड़े कट करने हैं 1.5 इंच आपको इसकी लंबाई लेनी है और 1.5 इंच के आप इसमें पीसेज कट कर लें। देखिए, इसी तरह मैं और पीस भी कट कर लूँगी। और देखिए, फिर हम इसमें डोरी भी लगाएंगे, तो डोरी के लिए मैंने ये पीस लिया है और इसका साइज़ बता देते हैं। देखिए, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। ये डोरी लंबी बनेगी, अगर कपड़ा कम है तो पीस जॉइंट करके इसको हम पलट देंगे। तो डोरी बनाने का देखिए, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई डाल के इसको पलट देंगे। और जो ये पीस कट किया है सेम मैं एक कैनवास का पीस भी कट कर लूँगी इसी साइज़ का। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था, मैंने पूरा इसको स्टिच कर लिया है, जो नेक था उसको कट कर दिया है। और अभी हम इसको यहाँ बीच में कट दे देते हैं और उसके बाद इसको पलट देंगे। इसको हम पलट देते हैं, तो देखिए इस तरह से रखेंगे। मैंने इसको पूरा स्टिच कर दिया अस्तर के साथ, जैसे प्लेट डालते हैं प्लेट भी डाल दी है। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। तो देखिए, जो हमने पीस कट किए थे फ्रिल के लिए, तो वो मैंने सारे पीस जॉइंट कर लिए हैं और ये फ्रिल भी डाल दी है। कैसे डाली है आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सेंटर से फोल्ड करके किनारे पर सिलाई डाल दी है और प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से 1/2 इंच की यहाँ पर आपको प्लेट डालनी है। ये फ्रिल को अभी हम ब्लाउज में अटैच करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये वन साइड जो नेक है यहाँ तक हम इसमें फ्रिल लगाएंगे और जो हमने पैच कट किया था राइट साइड में वो पैच अटैच करेंगे।
तो सबसे पहले फ्रिल लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ऊपर से लेंगे नेक से, और सिर्फ यहाँ तक ही हम फ्रिल लगाने वाले हैं। एक सिलाई डाल देंगे और उसके बाद देखिए मैंने ये गोल्ड कलर की लेस ली है, जो कि लेस से इसकी फिनिशिंग दे। फ्रिल हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। देखिए मैंने जैसे गोल्ड कलर की जो लेस ली थी, इस लेस से यहाँ पे हम इसकी नेक की फिनिशिंग दे देंगे। ये लेस मैंने पूरे नेक में स्टिच कर दी है। अभी यहाँ पे सेंटर में एक सिलाई डाल देते हैं। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए जो मैंने कपड़ा कट किया था, इसको मैंने अस्तर भी ले लिया है और अंदर इसमें कैनवास भी रख लिया है सेम साइज़ का। और देखिए जो मैंने ये पीस कट किए थे, अभी इन पीसों को हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं। तो ये पीस हमारे दोनों साइड में अटैच होंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी, और इसमें गैप हम 1-1 इंच का गैप दे के स्टार्ट करेंगे। देखिए ये लुक हमने पूरे तैयार कर दिए हैं। और देखिए जो डोरी के लिए कपड़ा लिया था, वो मैंने डोरी बना ली है। जैसे मैंने बताया था वैसे इसको पलट दिया है, तो मैंने इसी तरह से दो डोरी तैयार कर ली है। अभी एक साइड से कहीं से भी आप यहाँ से स्टार्ट करें, जैसे देखिए सेफ्टी पिन में मैंने डोरी को डाल लिया है, इससे आसानी रहती है निकालने में। तो देखिए इसको हम इस तरह से निकालेंगे क्रॉस में। देखिए ये डोरी मैंने सभी निकाल दी है। देखिए ये नीचे नॉट बांध देंगे, इसमें नॉर्मल लटकन बनाते हैं वैसे लगा देंगे। और देखिए जैसे मैंने एक साइड में लेस लगा लिए, तो यहाँ पर भी लेस लगाएंगे, और उससे पहले जो ये पार्ट है इस डिज़ाइन को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। देखिए ये मैंने पूरा तैयार कर दिया है, यहाँ पर नॉट भी बांधनी है। अभी देखिए इसको राइट साइड में, जैसे मैंने बताया था इस तरह से हमें इसको यहाँ पर वन साइड में आएगा, ये इस तरह से एक स्टिचिंग यहाँ पर डालेंगे, एक यहाँ पर डालेंगे, और जैसे कमर में नॉर्मल फिनिशिंग देते हैं वैसे ही फिनिशिंग देनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भी सारे स्टिच हो गए, तो आप देख रहे हैं जो फ्रिल थी कितनी सुंदर ये डिज़ाइन हमारी तैयार होगी। यहाँ पर लेस आ गए, और जो हमने ये पैच अटैच किया था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रहा है डोरी की वजह से। और यहाँ पर इस तरह की आपके टसन के साथ डोरी नीचे की कमर में लटकेगी, और यहाँ पर हमारी ये लेस आ जाएगी। तो पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो अगर आपको दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।